अम्बाला फास्ट न्यूज में मैं मंजू वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। शराब माफिया पर हरियाणा में शिकंजा कसा जा रहा, इसी कड़ी में अम्बाला पुलिस के हाथ एक और बड़ी कामयाबी लगी। कुछ दिन पहले ही अवैध शराब की भारी खेप से भरे दो गोदाम पकड़े जाने की जांच अभी पुलिस कर ही रही थी कि आज उसी गांव में एक और शराब के अवैध गोदाम का भंडाफोड़ पुलिस ने कर दिया। इस गोदाम से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब की पेटियां बरामद की है, जिसमें देसी व अंग्रेजी शराब की पेटियां शामिल हैं। फिलहाल पुलिस ने पकड़ी गई शराब की पेटियों की गिनती शुरू कर दी और एक्साइज विभाग भी मौके पर है। अवैध शराब के गोदाम को लेकर मौके पर मौजूद डीएसपी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह गोदाम पकड़ा गया और शुरुआती जांच में ही यह स्पष्ट हो गया कि यह गोदाम अवैध है। सुबेरे हमारे SHO साहब मोहन लाल जी SHO प्रबंधक थाना को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो आए पार्क जो है इसमें अवैध शराब का गोदाम है, अवैध शराब यहाँ पे है। तो इस आधार पर हम यहाँ आए, इन्होंने एक्साइज इंस्पेक्टर को बुलाया। एक्साइज इंस्पेक्टर ने भी गोदाम को चेक करके बताया भी इस इलाके में हमने कोई L1 का गोदाम नहीं दिया और ये सारा इलीगल है, तो हम इसकी काउंटिंग करा रहे हैं और मुकदमा दर्ज कर रहे हैं जल्दी। अब ओनर को बुलाया इसके, उसके रिकॉर्ड चेक करेंगे और जो भी इसके खिलाफ कार्रवाई बनेंगे हम सख्ती से सख्ती कार्रवाई करेंगे। नहीं, हमारे रिकॉर्ड में कोई गोदाम नहीं है, इस रिकॉर्ड इलीगल शराब है, इसके बारे में देखते हैं, चेक करके भी रिपोर्ट बनाएंगे। ये लीगल नहीं है, ये शराब यहाँ लीगल नहीं होती, ये गोदाम किसी ने आगे जाने के लिए आगे उसके लिए बना रखा है।